गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रिंस शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे हिमालयन प्रिंस पर। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, मुझे थी 2-3 दिन की छुट्टियां और मैंने प्लान करी है राइड कोडैकनाल की। तो कोडैकनाल यहां से होने वाला कुछ 600 से 700 किलोमीटर के बीच में, तो ये राइड थोड़ी अनप्लान थी, तो इसलिए थोड़ी शाम हो चुकी है, सनसेट होने वाला है, थोड़ा लेट हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो राइड है, मैं ये जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, इसको मैं रात में कवर कर लूँगा। तो अभी मैं हूँ कुछ चेन्नई से 70 से 80 किलोमीटर आउटर में। पहले चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से आगे तिरुचिपल्ली के लिए। तो फिलहाल मैंने आज का रुकने का जो प्लान किया है वो तिरुचिपल्ली में किया हुआ है, पर देखना ये है तिरुचिपल्ली पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है और चेन्नई सिटी में हमें कितना ट्रैफिक मिलता है। चलिए मिलता हूँ आपको बाइक के ऊपर। अपने रोड ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। एक मिनट, थोड़ा साइड ग्लास, थोड़ा ये मिरर सेट कर लेता हूँ, देख नहीं रहा अच्छे से। हाँ जी, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब आई थिंक अब ओके है। तो सामने आपके दिख रहा है सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये थोड़ा अनप्लान सी राइड है हमारी, है तो काफ़ी लॉन्ग राइड है, कुछ 600 किलोमीटर की राइड है, 600-1200 किलोमीटर की होगी ऑलमोस्ट अप डाउन करके। वो देखो हमारा राइडर भाई जा रहा है न्यू हिमालयन पे 450 नहीं है कौन, हाँ 452 पे जो भी है नए वाली पहने लगा रखे पूरे है, सही है। सामने देखो जी, सूरज हमारा ढला है, सूरज देवता जी जाते हुए तो सुबह लोग के आएंगे दोबारा। तो भाइयों, अभी चेन्नई सिटी का सारा जितना भी ट्रैफिक हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, तो अब फिलहाल त्रिची के हाईवे पे हम लोग पड़ चुके हैं। और अब जाके कुछ चलने के लिए रास्ता मिला। तो पहले तो भाई इतना ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम परेशान कर दिया ट्रैफिक जाम। चलिए वक्त हो चुका है डिनर ब्रेक का, खाए में भी कुछ हुआ है संभालो, भूख तो नहीं है पर फिर भी डिनर तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में आपको कुछ मिले ना मिले। तो अभी कुछ रुके हैं चेन्नई से आउटर में, कुछ अराउंड चेन्नई से होगा कुछ 50 किलोमीटर आउटर में। अभी आते आते हुआ क्या, अभी हमारी किसी ने बाइक ठोक दी पीछे से, तो स्कूटी वाला था, अपनी स्कूटी ऐसी हिट करी, पता नहीं कहाँ उसकी स्कूटी, यहाँ हिट हुई या कहाँ हिट हुई, हमारा तो कुछ किया नहीं, उसका स्कूटी का आगे का पार्ट था निकल के हो गया रोड की तरफ। तो जब रोड की तरफ पार्ट गया तब दिखा कि कहीं हिट हुआ है, पर पता नहीं कहीं कहीं दिख नहीं रहा है कहाँ पर लगा है, शायद मेरे को यहाँ लगा होगा, शायद यहाँ लगा होगा, पता नहीं। ये है हमारा कुछ सेटअप, बाइक सेटअप। चलो जाते हैं डिनर करने के लिए, दिखाता हूँ आपको क्या खा रहे हैं। तो जी ये आ गया हमारा घी रोस्ट डोसा, और उससे ये रही चटनी, 4-5 तरह की चटनी है, शायद ये अचार है, हाँ ये शायद अचार है, वही 4-5 तरह की चटनी है। और ये आ गया हमारा सांभर, गर्मा गर्म सांभर है। करना ऐसा है, सांभर को उठाना, यहाँ डालना है, चटनी उसका दबा के खाना है, जो भी चटनी पसंद है वो खाओ, जो नहीं पसंद ना खाओ, उल्टा वो खाते भी। फाइनली ये पांडिचेरी के पीछे क्रॉस हो चुका है, तो उसके बाद जाके हमको कुछ रोड मिला है खाली बाइक भगाने के लिए, अदरवाइज पीछे से तो ऑलमोस्ट हम लोग रेंग रेंग के चल रहे थे। हाँ तो 4 घंटे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर किया है 4 घंटे में, अब आप सोच ही सकते हो कितना ट्रैफिक होगा। तो अब जाके कुछ खाली सा रास्ता मिला, खाली तो नहीं है, देखो ट्रक वर्क तो जा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो जाम है ही रास्ते में, तो ये कम से कम चलते रहे ना। चलिए देखते हैं पीछे कितने बजे आता है, फिलहाल तो बज चुके हैं रात के 10:05 हो चुके हैं। तो जी रात के बज गए हैं 2, तो फाइनली तिरुचिपल्ली पहुंच गया हूं मैं 2 बजे। 2 इसलिए बज गए क्योंकि हमारे आज तकरीबन 4 घंटे हमारे कुछ ट्रैफिक में ख़राब हो गए, ट्रैफिक में समझ लो शायद ऑफिशियल कॉल्स थी वो, उसकी वजह से मैं 4 घंटे ख़राब हो गए, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, पहुंचना चाहिए था हमें 4 घंटे बस, वही है जहाँ तो 10 बजे पहुंचना था भाई 2 बजे पहुंचे हैं। तो
लेट पहुंचने का नुकसान तो ये होगा, हमने ऑर्डर की बुकिंग कराने रखी थी पहले से कुछ, तो यहाँ पे आके सब कुछ बंद है, सब कुछ फुल है ऑलमोस्ट। तो ये एक बड़ा सा कोई होटल है, इसमें हमको रूम मिला है जो कि ठीक ठाक रेट पर मिला है हमको रूम, ठीक ठाक मतलब कि सस्ता नहीं है, महंगे रेट में मिला है। रूम रूम का टूर आपको सुबह करवाता हूँ, ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो एक नई सुबह के साथ आपका स्वागत करता हूँ, मैं प्रिंस शर्मा ट्रक त्रिचीपली से। तो कल रात का सीन ऐसा था, हम लोग लेट हो गए थे त्रिचीपली पहुँचने में, कुछ अराउंड 1:30-2 बज गए थे। तो फिर आए सीधा और सो गया आके, फिर पता चला। तो ये है हमारा कुछ रूम, आपको रूम को दे देता हूँ। तो जैसे एज यूजुअल होता है, आते ही अपना रायता फैला दिया यहाँ पे, बैग वैग पूरे हेलमेट हुलमेट जैकेट जुकेट पूरा गिरा दिया सब कुछ। तो खिड़की से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, कुछ है नहीं कुछ खास, पर अब जो असली सीन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा यहाँ से त्रिचीपली से ऊपर की तरफ। और ये मैं हूँ अपनी टी शर्ट और फ़ोन मैचिंग के साथ। तो अभी जो मेरा पार्टनर है वो नहा रहा है भाई, पता नहीं कितना टाइम लगाता है वो। तो ठीक है, तो ठीक है, अब आपको ब्रेकफास्ट में मिलता हूँ जाके। ब्रेकफास्ट है जो फ्री का बफे खाएंगे जाके, देखेंगे क्या है वहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऊपर, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ ब्रेकफास्ट में, ठीक है, बाय। तो जी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो ये रूफ टॉप है यहाँ पर, कुछ ऐसा भी दिख रहा है रूफ टॉप का जिस होटल में हम लोग रुके हैं आज। तो ये जो रोड है इस रोड से आए हम लोग, इस तरफ से आए हम लोग। यह कुछ त्रिचीपली का व्यू, और हमारे पीछे वहाँ हमारे भारत देश का झंडा जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्व है, महात्मा तक हो गया है। तो बस अभी आई थिंक 10 बज चुके हैं, तो अभी निकलने का टाइम हो गया, अभी थोड़ा निकलते हैं, देखो थोड़ा व्यू देख लो आप। तो जी आ गया वो अपने बाइक पर वापस। तो अभी हम जा रहे हैं दिंडीगुल की तरफ। अभी दिंडीगुल के लिए हम मेन हाईवे यही वाला सिटी के अंदर से क्रॉस करना पड़ेगा हमें त्रिचीपली से। तो चलिए थोड़ा भगाते हैं और पहुंचते हैं पहाड़ों में। भाई साहब ये देखो खूबसूरती यार, इधर भी नारियल के पेड़, इधर भी नारियल के पेड़, क्या सुंदर व्यू आ रहा है यार, हर कुछ लग रहा है, हर कुछ मजा ही आ गया, दिल खुश हो रहा है भाई पूरा। यही तो देखने आया हूँ मैं, यही तो चाहिए था अपने को, इतने दूर से आया हूँ। भाई साहब क्या ही शानदार रोड है, कितने सुंदर कर रहा है यार। पहाड़ों में एक बात याद रखनी है, वो ये है कि नेवर क्रॉस योर लाइन, समझ रहे हो, कि ये बीच की पट्टी है, ये आप लोगों को किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करनी है, अगर सेफ रहना है तो, अगर नहीं रहना है तो क्रॉस करो, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसके आगे की। फिर तो हम लोग भी ट्राई यही करेंगे कि बीच की पट्टी के इधर ही चले। अभी हाइट पकड़ दिया थोड़ी सी हमने, तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही हुए हैं अभी, तो लोग लगता है जाम। अब सीन ऐसा है ना पहाड़ों में, पता क्या होता है, कोई बड़ी गाड़ी है मान लो, तो बड़ी गाड़ी जैसी जाएगी ना आगे, तो उसके पीछे पीछे उसको ओवरटेक करने पाएंगे लोग,
और लाइन लग जाती है फिर, तो फिर जाम बन जाता है इसी तरीके से। अभी टेम्पो ट्रैवलर है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे लोग, और लाइन लग गई है पीछे, बस इसके आगे सब कुछ खाली पड़ा है। तो भाई साहब रास्ते में कुछ ऐसा टोल देखने को मिलता है, कुछ लिखा तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, सारा तमिल में लिखा हुआ। क्या बोलिए भाई? अच्छा इधर, अच्छा रुकने के लिए नहीं बोली। ओके ओके ठीक है आंटी, पोंगा पोंगा। ओ भाई साहब, तभी तो सोचे। वेदर की कंडीशन आप चेक कर ही सकते हो कैसा वेदर हो रहा है। बिल्कुल हल्की सी बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है, पता है। देखो तो भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बारिश में भीगने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल थोड़ा जाना रूम पे, थोड़ा रूम पे पहुँचेंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पीने थोड़ा बहुत। भाई साहब यहाँ तो गजब की बारिश हो रही है, मतलब बारिश तेज नहीं है, हल्की हल्की बारिश है पर कंटिन्यू बढ़ रही है। भिगा दिया उसने पूरा ही, बाइक भी पूरी गीली होगी, और कैमरा तो भगवान के भरोसे चल रहा है, ये गोप्रो चल रहा है बेचारा, चल रहा है भगवान के भरोसे। पानी चला गया तो बंद हो जाएगा और क्या। अभी भी है 3-4 किलोमीटर है कुछ, पर 3-4 किलोमीटर पहाड़ों में वो भी खत्म होने में नहीं आते, पता है। यही तो बात है पहाड़ों की, और कोडिंगलैंड में तो हमेशा मौसम ऐसे ही रहता है वैसे भी, बारिश बारिश वाला, अच्छा खासा साफ मौसम था सारा दिन, भिगा दिया आके। मैं तो बारिश के हिसाब से कुछ लेके भी नहीं आया, एक्स्ट्रा कपड़े कुछ भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे साउथ में तो बारिश का सीजन चला गया ना। चलो बिना बारिश के कोड़ी कनाल भी अधूरा लग रहा था, हो गया काम। तो गाइस अभी वेदर तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे आने के बाद ये डालनी पड़ी है, जैकेट लेनी पड़ी है टेम्परेरी, ठीक है। एक दिन की बात थी, पर ठंडी थी नहीं, क्या करें भाई, सारे कपड़े हमारे भीग गए, तो फाइनली मेरे को ये लेनी पड़ी है। तो ठंडी थी नहीं, देख रहे हो आप सारा ही दूध दूध हो रही है। तो अभी हम लोग निकले हैं कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करने के लिए, तो मार्केट में देखने के लिए क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं, बस वो देखते हैं। अगर होगा टाइम तो लेक पे जाएंगे, तो आज हो सकता है तो आज लेक को एक्सप्लोर कर ही लेंगे आज। खाना आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, नॉर्मल से मिलेगा, घर जैसा ऐसा होता है ना नॉर्मल।
कुछ ज़्यादा तड़फड़ हाई फाई नहीं होता। तो अब निकलते हैं रूम पे, क्योंकि आज शाम को कुछ ऐसा होटल का हमारा कुछ सीन हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ शूट कर नहीं पाए। तो होपफुली कल का दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो आसपास के जो भी एरिया होंगे घूमने लायक वो सब एक्सप्लोर करेंगे, जितना हम एक दिन में कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ आपको कल सुबह। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। अंकल अब तुम्हारा